दोस्तों, चेन्नई और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए सुपर हिट मुकाबले की समाप्ति के बाद आईपीएल 24 के पॉइंट टेबल में बहुत ही बदलाव हो चुका है। केकेआर और सीएसके के बीच का यह मुकाबला जैसे ही खत्म हुआ आईपीएल 24 के पॉइंट टेबल में भूचाल सा आ गया है। राजस्थान, आरसीबी और लखनऊ सहित 5 टीमों को लग गया है बड़ा झटका। आईपीएल 24 का नया पॉइंट टेबल जारी हो चुका है। किस स्थान पर कौन सी टीम मौजूद है जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आईपीएल 24 के पॉइंट टेबल में क्या बदलाव हो चुका है, कौन सी टीम कितने नंबर पर मौजूद है। आईपीएल 24 का एकदम नया पॉइंट टेबल आप सभी को बताएंगे इस वीडियो में। पॉइंट टेबल जानने से पहले अगर आप सभी चाहते हैं कि आपकी सबसे फेवरेट टीम प्ले ऑफ में क्वालिफाई करे तो आप हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ हमें कमेंट जरूर लिख के बताएं कि आप किस आईपीएल में किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। देखते हैं किस टीम के फैन सबसे ज़्यादा हमारे वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, एमएस धोनी की टीम चेन्नई और श्रेयस अय्यर की टीम कोलकाता के बीच यह मुकाबला खेला गया। दोनों टीमों के बीच कड़ाई टक्कर हुई। अंत में सीएसके ने केकेआर को 7 विकेट से हरा दिया है। मैच की बात करें तो चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। पहले बल्लेबाजी करने आई कोलकाता की टीम ने 20 ओवरों में 137 रन बनाए। कोलकाता के सबसे सफल बल्लेबाज कप्तान श्रेयस अय्यर रहे, जिन्होंने सबसे ज़्यादा 34 रनों की पारी खेली। चेन्नई के गेंदबाजों की बात करें तो जडेजा और तुषार देशपांडे सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 3-3 विकेट अपने नाम किए। चेन्नई ने यह मुकाबला 17.4 गेंद में ही अपने नाम कर लिया। गायकवाड ने सबसे ज़्यादा 67 रनों की मैच विनिंग पारी खेली। दोस्तों, चेन्नई के जीत के बाद पॉइंट टेबल में बड़ा बदलाव हो चुका है। 10वें नंबर की बात करें तो 10वें नंबर टीम आती है दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स ने अभी तक में 5 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उसमें 1 में जीत मिली और 4 में हार। उसका पॉइंट है 2 और रन रेट की बात करें तो -1.37 है। 9वें नंबर पर टीम आती है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। बेंगलुरु ने अभी तक अपने 5 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उसमें 1 में जीत मिली और 4 में हार। उसका पॉइंट 2 है, रन रेट -0.84 है। नंबर 8 पर टीम आती है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने अभी तक अपने 4 मुकाबले खेलते हुए 1 में जीत मिली है और 3 में हार। उसका भी पॉइंट है 2, रन रेट की बात करें तो -0.70 है। 7वें नंबर पर टीम आती है गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस ने अभी तक अपने 5 मुकाबले खेलते हुए 2 में जीत और 3 में से हार मिली है। उसका अंक 4 है, रन रेट -0.79 है। नंबर 6 पर टीम आती है पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स ने अभी अब तक अपने 4 मुकाबले खेली हैं, जिसमें उसे 2 में जीत मिली और 2 में हार। उसका पॉइंट है 4, रन रेट की बात करें तो -0.22 है। नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 पर टीम आती है सनराइजर्स हैदराबाद। हैदराबाद ने अभी तक अपने 4 मुकाबले खेलते हुए 2 में जीत मिली और 2 में हार। उसका भी अंक 4 है। नंबर 4 पर टीम आती है चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग ने अभी तक अपने 5 मुकाबले खेलते हुए 3 में जीत और 2 में उसे हार मिली है। उसका पॉइंट 6 है, रन रेट की बात करें तो +0.66 है। नंबर 3 पर आती है टीम लखनऊ सुपर जायंट। लखनऊ ने अभी तक अपने 4 मुकाबले खेलते हुए 3 में उसे लगातार जीत मिली है और उसे 1 में हार मिली है। उसका अंक 6 है, रन रेट की बात करें तो +0.77 है। नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 का टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता ने अभी तक अपने 4 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उसे 3 में जीत मिली है और उसे 1 में हार मिली है। उसका पॉइंट 6 है, रन रेट की बात करें तो +1.52 है। दोस्तों, नंबर 1 टीम जानने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, नंबर 1 टीम आती है राजस्थान रॉयल्स, जिन्होंने अभी तक अपने 4 मुकाबले खेले और उसे 4 में जीत मिली है और वो पॉइंट टेबल में नंबर 1 स्थान पर मौजूद है। उसका अंक है 8, रन रेट की बात करें तो उन्होंने अभी तक +1.12 उसका रन रेट है। दोस्तों, ये रहा आज का पॉइंट टेबल।